हेलो दोस्तों, आप सभी को VSP मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम m का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हल में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो गया। दोस्तों ये दो समीकरण है, हमको क्या है और m का मान निकालना है। दोस्तों पहले समीकरण एक्स वाई का आंसर निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए हल में हो गया, समीकरण एक में लिखते समीकरण एक को हल करने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर कितना 11 माइनस 3y, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टा 2। समीकरण 3 हो गया। अब क्या होगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2 ने 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचा कितना है 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24 और माइनस 11, अर्थात माइनस 35 माइनस 7y, तो माइनस माइनस प्लस और 7 तो y या y बराबर 35 बाई 7 बराबर 5, तो y कितना हो गया 5 दोस्तों। अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बराबर 2, 11 माइनस 3 गुने 5 बाई 2, 11 माइनस 15 बाई 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 4 बराबर 2, माइनस 4 बराबर 2 तो 2 ना तो माइनस 2, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू तो क्या है, अतः क्या लिखेंगे अब प्रश्न से, क्या ये प्रश्न से y बराबर कितना है mx प्लस 3। देखिए दोस्तों y का मान तो मुझे कितना आ गया 5 और m, x का मान कितना आ गया माइनस 2 प्लस 3, अब कितना हो जाएगा तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, या यहाँ पर लिख देता हूँ या तो 2m इधर आ जाएगा बराबर से 2m बराबर 3 माइनस 5 तो बराबर माइनस 2 तो 2m, तो या m बराबर माइनस 2 बाई 2 बराबर माइनस 1 m बराबर, अतः m बराबर माइनस 1 कैंसिल दोस्तों, ठीक है। अतः एम बराबर माइनस यह क्वेश्चन 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, तो ठीक है। हल में क्या लिखा, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2 समीकरण 1 को हल करने पर 2x प्लस 3y बराबर 11, तो हमने हल किया 2x बराबर 11 माइनस 3y या x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, समीकरण 3 समीकरण दो में x बराबर 11 माइनस 3y रखने पर तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 2y माइनस 24। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू था, 11 माइनस 3y बटा 2 था, माइनस 4y बराबर माइनस 24 था, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24 माइनस 24, ठीक है। फिर हम क्या किए हैं इसी क्वेश्चन को, अब क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, माइनस 3y माइनस 4y हम जाति मिला दिए, ठीक है, तो माइनस 24 माइनस 11 तो यहाँ पर ये जुट गया है तो माइनस 7y और माइनस 35y काट दिए हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस में तो 7y बराबर 35, ठीक है, 5 7 35 तो y बराबर कितना हो गया 5, मतलब अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर तो y बराबर जब 5 रखेंगे तो x बराबर क्या, x बराबर y माइनस 3y बाई 2, तो 11 माइनस 3 गुने 5 तो 15 हो जाएगा बटा 2 है ना, तो 15 तो 11 में से 15 गया तो माइनस 4 बाई 2 तो माइनस 2 हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब प्रश्न से y बराबर m x प्लस 3 तो y का मान 5 है बराबर m प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 है तो माइनस 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, तो या 2m बराबर 3 माइनस 5 माइनस 2, 2m बराबर माइनस 2 या m बराबर माइनस 2 बाई 2 बराबर माइनस 1, यानी m बराबर माइनस 1, अतः m बराबर कितना माइनस 1,
एक्स बराबर माइनस दो, वाई बराबर पाँच। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।